बोल शंकर भगवान की भाई। ये देखो भाई, दिल्ली के दिल वाले भोले मिल गए हमने भाई। भोले कोई मनोकामना आपकी भोले से क्यों उठाया आपने? चल मनोकामना बहुत बढ़िया बताइए। पिछली बार आया था तो भाई आया था, भाई थोड़ा माइंड से रहता है। भोले जी, आप भक्तों का ये बता दीजिए, आपने कलश यहाँ से खरीदे या आप दिल्ली से लेके आए हो? बहुत बढ़िया। देखो भाई, किसी ने जागरण कराना हो तो भाई भोला मिल गया है। और भाई सिंगिंग करते भाई भोला इतने बढ़िया भाई। किसी ने दिल्ली में जागरण कराना हो, दिल्ली वालों सुन लो भाई। ये देखो भाई भोले आते हुए भाई सामने से। बोल शंकर भगवान की जय। शाबाश भाई, ये बढ़िया सिस्टम भाई। ये देखो भाई, ये भोले की गाड़ी यार, ये भोले का फोटो है भाई। देखो ये घोड़ा 101 लीटर जल हमारी ओर से सभी शिव भक्तों को कांवड़ की हार्दिक शुभकामना है भाई। ये गाड़ी लेके चल रहे हैं और बैनर बनवा रखा है भोला ने। हरिद्वार से तंबर कॉलोनी दिल्ली 1184 बुराड़ी के भोले भाई, ये देख लिए भाई। गाड़ी के साथ भाई सिस्टम बना के चल रहे हैं भोले, म्यूजिक सिस्टम साथ लेके चल रहे हैं। देखो भाई भाई बोले, धमाकेदार सिस्टम लेके चल रहे भाई बोले। ये देखो भाई धमाकेदार धमाकेदार, एक नंबर काम कर रहे भाई बोले, एक नंबर काम कर रहे भाई। देखो भाई शाबाश शाबाश भाई बोले, बोल शंकर भगवान की भाई। ये देखो भाई, दिल्ली के दिल वाले भोले मिल गए हमने भाई। अभी जा रहे थे भाई और ये देखो, ये देख लिया होगा था बोले, ये गजब का बात है भाई। साथ में ये आपने देखा होगा डाक कावड़ के साथ में, लेकिन पहली बार देखा भाई बोले कलश कावड़ के साथ में। गजब का भाई धमाका कर रहे भाई साथ साथ में, पूरा इंजॉयमेंट भाई भोले को फील करते हुए चल रहे भाई भोले। दिल्ली के दिल वाले भोले भाई, दिल्ली के दिल वाले भोले। अभी भोलों से भाई बात कर लेते हैं, भोले कितने किलोमीटर पड़ेगा इनका भाई, कब इन्होंने जल उठाया है और भाई क्या इनकी मनोकामनाएं हैं, और भाई कलश में कितना जल है, कहाँ से इसने इन्होंने खरीदे। तो भाई सारी बातें भोलों से एक एक करके कर लेते हैं भाई। भोले का क्या नाम है, आप भोलों से भाई बात करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया भाई भोले। तो भाई ये देख लीजिए भोले, आपका क्या नाम होगा? यस भाई, यस भोले का नाम है। और भोले जी कहाँ जाओगे आप? दिल्ली बुराड़ी। दिल्ली बुराड़ी के भोले हैं भाई ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ जादवपुर के पास में, सही गया भाई, वहाँ के भोले हैं। और खिचम खिचा पम टाप जा रहे हैं, म्यूजिक बजाते हुए नॉन स्टॉप डाक कावड़ बना रहे भाई कलश कावड़ को। एक बार कावड़ दिखाओ भाई एक बार अपनी भाई, ये कावड़ भोले की। ये अपने भाई शंकर भगवान जी बैठे, हाथ जोड़ लीजिए भाई जो भी वीडियो देख रहा है। शंकर भगवान जी, नंदी जी, माता जी, गणेश जी सारे भाई बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ लीजिए आप। और हर हर महादेव भाई कमेंट में लिख दीजिए। तो भाई भोले जाएंगे दिल्ली, भोले कितने किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से? 220 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, 220 किलोमीटर भाई भोला ये जल अपने कंधों में लेके जाने वाला। भोले कोई मनोकामना आपकी भोले से क्यों उठाया आपने जल? मनोकामना बहुत बढ़िया बताइए। तो अच्छा अच्छा, तो मतलब पिछले साल ना खो गया था। अच्छा, हरिद्वार में थोड़ा घर वालों को भी टेंशन होती रही कि कब मिलेगा। एक हफ्ते बाद मिला है, खैर मिल गया था। मतलब जब मेरे को पता लगा था ना कि भाई मेरा भाई खो गया, उसकी वजह से मैंने 101 लीटर जल उसकी वजह से बोल दिया। तो भाई जैसा कि भाई ने बताया, इनके भाई आए थे पिछले साल हरिद्वार,
और भाई यहाँ पे गुम हो गए थे, तो तभी भाई घर वालों को भी टेंशन हो गई थी, और भोले ने बोल दिया था जैसे ही मेरा भाई मिल जाएगा भाई मैं अगले साल जल लेने के लिए आऊँगा और कांवड़ लेके जाऊँगा, ठीक है बोले यही बात है ना भाई ये बात। और भोले ने भाई अपनी देखो जो कहा है वो पूरा करने के लिए भाई आ गए हैं, और भाई भोलेनाथ ने भाई देख लो जीता जागता सबूत आपके सामने है, इनकी मनोकामना पूरी करी, और भोला भाई अपने भाई जो उन्होंने वादा किया था भाई वो संकल्प लिया था पूरा करने भी आ गए। बोले अब आप जल के बारे में बताइए, इसमें जल कितना होगा? जल इसमें 101 लीटर जल है भाई इसमें, भाई 101 लीटर भाई बोला लेके जाएगा अपने कंधों पे दिल्ली भाई, देख लीजिए भाई ये बोला भाई और दिल्ली इसको लेके जाएगा। बोले जी साथ में आए हो सारे आप? सारे यार दोस्त हो भाई, भाई सारे एक दूसरे भाईचारा भाई और भाई बोले के साथ में आइए बोले को सहारा लगाने के लिए, बहुत बढ़िया भाई बोले। बोले आप कांवड़ अकेले लेके जाओगे या मैं कोई हेल्प करें? भाई लेकर भोला अकेले जाएगा भाई, हाथ बटाने के लिए, रास्ता खुलवाने के लिए, बाकी और सेवा पानी के लिए भाई साथ में आए हुए हैं भाई। बोले जी आप भक्तों का ये बता दीजिए, आपने कलश यहाँ से खरीदे या आप दिल्ली से लेके आए हो? दिल्ली से लेके आए हो, वहाँ पे किस रेट में मिले आपको? मतलब रेट का मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, संभाव नहीं होता, ठीक ठाक मिल जाते हैं। ठीक ठाक वैसे जहाँ से हरिद्वार वाले लाते हैं वैसे लेके आए, वो हरिद्वार वाले जहाँ से लाते हैं वहाँ से ये लेके आए, थोड़ा बहुत सस्ता तो पड़ता होगा हरिद्वार के कंपेरिजन में, 50-60 तो हाँ थोड़ा बहुत। तो भाई ये दिल्ली से ही अपने भाई कलश लेके आए, और ये बैत वगैरह बोले ये भी वहीं से लेके आए दिल्ली? अच्छा भाई सारा भाई कांवड़ का अपना सामान बोले भाई दिल्ली से ही लेके चले हैं और यहाँ आके असेंबल कर दिया है और भाई कांवड़ उठा लिया है। बोले रोज कितना किलोमीटर चलोगे? रोज जी देखो रोज तो वैसे बता नहीं सकते, अंदाजा मौसम ठीक रहे उसके हिसाब से चलते रहेंगे, मौसम के हिसाब से एक महीना बचा 30 दिन लगा लीजिए आप कांवड़ जल को, और आपका पड़ता है 220, तो भाई इस हिसाब से 7 किलोमीटर नॉर्मली एवरेज निकलेगी आपकी, 7-8 किलोमीटर बोले भाई शुरुआत में नॉर्मल चलना चाहिए, कुछ लोग करते हैं कि मतलब शुरुआत में तेज ज़्यादा चलते हैं, हाँ ज़्यादा तेज नहीं भाई, जितना चल सके ठंडे मौसम में चलो, बढ़िया आराम से चलो, आराम से पहुँच जाओगे, और बोले भाई आपकी मनोकामना पूरी हुई है, भाइयों की मनोकामना पूरी हो भाई, बढ़िया नौकरी लगे, बढ़िया कामयाबी मिले, सभी भाइयों को ये दुआ करते हैं भाई। बोले बोले आपका क्या नाम होगा? वरुण बोला भाई, ये बोले भाई के साथ में बोले आपका शुभम बोला भाई, आशु बोला भाई, सुजन बोला भाई, भाई ये सारे बोले देख लीजिए भाई की मदद के लिए आए हुए हैं भाई, ऐसे दोस्त भी सबको नहीं मिलते तो भाई को मिले हुए हैं, और भाई भाई की हेल्प करने के लिए हरिद्वार तक आ गए हैं, नहीं तो लोग बोलते रहते भाई मेरे साथ चलो कोई नहीं चलता, मैंने बहुत से बोले देखे हैं अकेले ही 100-120 लीटर कोई 111 कोई कितना लीटर अपने कंधों पे लेके जा रहा है, और भाई अकेले लेके जा रहा है, फिर यहाँ आके उनको दूसरे वाले बोलों की मदद लेनी पड़ती है। मैं तो भाई बहुत बढ़िया भाईचारा मानूंगा भाई का कि ये बोले इसके साथ में आए हुए हैं यहाँ तक, तो भाई बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बजाओ भाई गाने एक बार थोड़ा सा हो जाड़ दो द्वार में भाई, ये देखो ये हो भाई म्यूजिक, यो देखो माहौल बना कर चल रहे बोले, बिल्कुल माहौल बना गया है, एक नंबर का माहौल, बहुत बढ़िया भाई मजे आ गए भाई, जय भोलेनाथ की भाई, जय भोलेनाथ की। तो बोले आज ही कांवड़ उठाई आपने, कितने बजे उठाई होगी? 6 बजे 5:30 बजे अभी शाम को ही, तो भाई अभी कांवड़ उठा रहे हैं भाई, और भाई खींचू खींचो भाई, कम से कम भी ये नहीं दो 2-3 किलोमीटर भोले बाहर जाए, हाँ पूजा पाठ कराई जल लेके भाई, देखो इतनी दूर भोले आ भी गए, बिल्कुल खींचू खिंचा रहे भाई, दिल्ली दूर नहीं है अब भोले भाई, जिस हिसाब से चल रहे हैं भोले, पहली बार आए हो ना कांवड़ लेने? दूसरी बार है, पहले कितना लीटर ले गए थे? वो झूला कांवड़, हाँ पहले झूला कांवड़ लाए थे भाई, पहले झूला कांवड़ लाए थे भाई, तब अकेले आए थे दोस्तों साथ ही आए थे कभी भी? दो और दोस्त थे। हाँ हाँ समझ गया। आप क्या करते हो अभी सारे भाई? नौकरी करते हो आप? बोले पापा का शोरूम है, बिजनेस है अपना। आप बोले पढ़ाई कर रहे हो अभी? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो?
एसएससी की दे रहे भाई, बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी लगा होगा। बोला बोले आप क्या करते हो अभी? मेरा जागरण का काम है, उसमें मैं सिंगिंग करता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, देखो भाई किसी ने जागरण कराना हो तो भाई बोला मिल गया है और भाई सिंगिंग करते हो भाई, बोला इतने बढ़िया भाई। किसी ने दिल्ली में जागरण कराना हो दिल्ली वालों सुन लो भाई, बोला हमारे साथ में कमेंट करियो भाई वीडियो पर, जिसने भी जरूरत हो बोला भाई रिप्लाई देगा भाई वीडियो पर। जय भोलेनाथ की, जय माता रानी की। बोले आप स्टडी चल रही है भाई, जैसा कि बोला दिख भी रहा है अभी तो भाई पढ़ाई की उम्र भाई बोलेगी। ठीक है भाई बोले, बहुत बढ़िया है, एक नंबर का काम भाई आपका। अब बोले भाई चल के दिखाएंगे दोबारा से कैसे काउंट उठाते हैं, कैसे अपने कंधों पे लेके चलते हैं, अभी दिखाते हैं भाई आपको। आओ भी बोले, और भाई म्यूजिक हो गया वो थोड़ी मंदिर आती है। ये भाई देखो भाई ऐसे चलते हैं भाई कावड़ लेके भाई बोले, हरिद्वार से सीधा जाएगा भोला दिल्ली में। देखो भाई ऐसे चला जाता है, अगर आप कावड़ लेने आ रहे हो तो भाई इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आपको भी चलना पड़ेगा भाई बोले। जैसे देखो बोले बिल्कुल आराम से, ज़्यादा मत भागो अभी, आराम से चलो बोले आराम से। अब बस भाई बहुत भाई साहब, और यो सिस्टम देखो भाई बहुत बढ़िया भाई बोले साहब। हाँ भाई बोले रख ले सिस्टम साथ में। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छा लगा भाई बोले, सभी आपकी मनोकामना पूरी करें बोला, फिर मिलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई आप सभी जो बोले जो वीडियो देख रहे हो उनकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाई कमेंट कर देना हर हर महादेव के नाम से, और अपने दोस्तों के साथ भेज देना जो भी कांवड़ लेने आने वाला है, क्योंकि भाइयों ने बता दिया कलश वगैरह का जो भी जैसे भी आप लेके आओगे क्या रेट पड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई मिलते हैं अपनी ऐसी एक और धमाकेदार अगली वीडियो में।